हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने हमारा बैलेंस लाइब्रेरी जो है उसको अपडेट करने का कोड जो है वो सेट कर लिया था। अब इस वीडियो के अंदर हमें जो है बाकी के जो व्यू टाइप्स है उसके लिए हमें अपडेट का कोड जो है वो सेट करना है, एडिट सेक्शन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अगेन हर बार की तरह कोड हमारा ओपन करके रखा है और हमारा ऐप जो है वो भी काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई कुछ एरर है, रिफ्रेश कर लेते हैं। हो गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ऐप जो है काम कर रहा है। अब हम क्या करना है, यहाँ पे एडिट बटन पे जो है कोड सेट करना है। तो पहले जो है हम ये जो बैनर स्ट्रिप एड व्यू है उसके लिए हम कोड सेट करेंगे। तो कोड पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, एडिट बटन पे जो लिसनर है वो तो हमने लास्ट वीडियो में जो है सब व्यूज पे जाके हमने सेट कर दिया था। तो अभी हमें जो है सिर्फ होम फ्रेगमेंट पे ही काम करना है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, ओके, तो रेंटर के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा स्विच स्टेटमेंट था उसके अंदर अगेन आएंगे और यहाँ पे हमने बैनर स्लाइडर पे जो एडिट कोड जो सेट किया है, ठीक है, ये कोड यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी। और सेम एडिट फंक्शन जो है, एडिट वाला जो कोड है वो यहाँ पे स्ट्रिप एड व्यू पे पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यू टाइप हमें मिल जाएगा, इंडेक्स हमें मिल जाएगा, इमेजेस एज इट इज़, कलर्स भी एज इट इज़, एडिट मोड, डॉक आईडी और सेम एज इट इज़ सब कुछ रखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें सेव मेथड के अंदर चलना है। ये रहा सेव फंक्शन हमारा। और यहाँ पे हमने जीरो पे हमने क्या किया था, अगर लेंथ लेस देन 3, ठीक है, ये सब तो बाद का कोड है। उसके बाद अपलोड इमेजेस, यहाँ पे इमेजेस अपलोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है स्टेटमेंट सेट किया हुआ है। अगर एडिट मोड होता है तो हम डॉट कलेक्शन डॉक्यूमेंट सेट करते हैं और यहाँ पे उसके अलावा हमने क्या किया हुआ है, अपलोड इमेजेस, अपलोड इमेजेस के अंदर हमने यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर बाकी का कोड सेट किया हुआ है। तो ये भी ठीक है, ओके, वापस से सेव पे आ जाएंगे। और केस वन में हमने क्या किया हुआ है, सेम कोड हमने यूज़ किया हुआ है। तो एक काम करेंगे, सेम चीज़ जैसा हमने ऊपर कोड सेट किया हुआ है वो सेम कोड हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपलोड इमेजेस, फिर फॉर लूप, फिर कंप्लीट, और जो एडिट मोड वाला पार्ट है ये रहा एडिट मोड, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ऑन कंप्लीट के अंदर। ओके, तो एडिट मोड पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा के अंदर जो है आईडी एक्स्ट्रा हम पुश कर रहे हैं और उसके बाद फिल्टर कर रहे हैं और उस पोजीशन पे हम जो है पूरा डेटा हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सही है, यहाँ से हम ये इफ एल्स स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं नीचे केस वन में और यहाँ पे जो ऑन कंप्लीट है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली पुश कर रहे हैं डेटा को। तो हमें यहाँ पे सेक्शंस के बाद पेस्ट करना है एडिट मोड, फिर यहाँ पे सॉर्ट वाला फंक्शन यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो ये कोड यहाँ से डिलीट, उसके बाद डेटा सेक्शंस आइटम डॉट आईडी फिल्टर, ठीक है, तो यहाँ पे सही है इतना। एड सेक्शंस, फिर सेट स्टेट, तो ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ये सेट स्टेट को भी एज इट इज़, एडिट मोड यहाँ पे हम फॉल्स कर रहे हैं तो हमें एडिट मोड फॉल्स करना है। और यहाँ पे अगेन इफ एल्स स्टेटमेंट है तो ये एडिट मोड वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, नीचे आ जाएंगे केस वन में और सेट स्टेट के अंदर पहले तो हम जो एडिट मोड है उसको फॉल्स कर देते हैं,
एडिट मोड फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं एडिट मोड, और एल स्टेटमेंट जो है ये वाली क्वेरी एल स्टेटमेंट के अंदर डाल देंगे। ओके, इफ स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज होगा ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेरी एक बार चेक कर लेते हैं। कलेक्शन कैटेगरीज पेज सेम, यहाँ पे डॉक डॉक्यूमेंट आईडी, और यहाँ पे डायरेक्टली ऐड डेटा। ठीक है, सेम फंक्शन है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे भी सेम फंक्शन है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो अब इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। सेव कर लिया है और यहाँ पे अपडेट भी हो चुका है। ठीक है, इस बैनर स्लाइडर को शायद अपडेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। शायद काम नहीं करेगा ये। इमेजेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमें चेक करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, जो रेंडर मेथड है उसके अंदर है प्रॉब्लम। ठीक है, इमेजेस जो है वो यहाँ पे हमने इमेजेस की एक अरे बनाई हुई है, बट स्ट्रिप एड व्यू के अंदर हमने इमेजेस के लिए कोई अरे नहीं बनाई है। इमेजेस कलर्स, ठीक है, इमेजेस और कलर्स के लिए कोई अरे नहीं है हमारे पास। पोजीशन है, व्यू टाइप है। ठीक है, तो ये हमारी इमेजेस की अरे बन जाएगी। और कलर्स के लिए क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे स्टिपेड बैनर। और जो बैकग्राउंड है वो भी हमें चाहिए, ये रहा आइटम डॉट बैकग्राउंड। कंट्रोल सी, और कलर्स के अंदर एज एन अरे पेस्ट कर देंगे हम आइटम डॉट बैकग्राउंड। सेव करते हैं और अब देखते हैं। ठीक है, एडिट, और यहाँ पे अब काम कर रहा है, तो इसको हम डिलीट करते हैं। तो ऐड इमेज, और हमारा डिलीट फंक्शन भी काम कर रहा है अच्छे से। न्यू इमेज ऐड करते हैं, बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं येलो। ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज चेंज हो गई है, तो एकदम अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें बाकी के दो व्यू टाइप्स है उसमें भी चेंज करना है, जो कि है हमारा ग्रिड व्यू और हॉरिजॉन्टल स्क्रोलर। तो अब उसमें तो सिंपल है, उसमें कोई इमेजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें डॉक्यूमेंट को सेट करना है, तो वो थोड़ा और आसान है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊपर हमने क्या किया था, एडिट, और उसके अंदर फंक्शन सेट किया हुआ है। तो पहले तो ये एडिट वाला जो फंक्शन है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। उसके बाद केस टू के अंदर आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल स्क्रोलर, और यहाँ पे एडिट पेस्ट कर देंगे। अब इमेजेस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, कलर्स की भी ज़रूरत नहीं है। ऐड डायलॉग रहने देंगे, एडिट मोड रहने देंगे, डॉक्यूमेंट आईडी रहने देंगे, व्यू टाइप भी रहने देंगे, इंडेक्स भी रहने देंगे। ऊपर चलते हैं और स्टेट के अंदर चेक करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। लोडिंग, वैल्यू, पेज, ऐड डायलॉग, इमेज, कलर, सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स, ये हमें चाहिए। इसको हमें बाय डिफॉल्ट सेट करना है। लेआउट, लेआउट बैकग्राउंड और टाइटल भी होगा, लेआउट बैकग्राउंड, लेआउट बीजी और टाइटल, लेआउट टाइटल, ये दोनों चीज़ें भी हमें चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं। ये रहा रेंडर फंक्शन। केस टू, केस टू के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे,
सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स की अरे जो है वो पास करनी है। तो ऊपर देखते हैं प्रोडक्ट्स डेटा, ओके ये रहा हमारा प्रोडक्ट सिलेक्टर। चेकबॉक्स सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स डॉट आइटम डॉट आईडी, सिंपली हम पुश कर रहे हैं आईडी को, सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स यानी कि सिंपली वो आईडी। ठीक है परफेक्ट। तो हमें यहाँ पे सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के अंदर सिंपली एज इट इज़ जो आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, वही हमें जो अरे है वही हमें पुश करनी है, जो कि है आइटम डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स का मतलब है आइटम डॉट प्रोडक्ट्स। उसके बाद लेआउट टाइटल है, लेआउट टाइटल, तो आइटम डॉट लेआउट टाइटल। उसके बाद है लेआउट बीजी, जो कि है आइटम डॉट लेआउट बैकग्राउंड। ठीक है, सेव करते हैं और एक बार टेस्ट करके देखते हैं। ओके हमारे पास कोई स्क्रोलर है नहीं, हमें ऐड करना पड़ेगा, होम पेज पे करते हैं ऐड हॉरिजॉन्टल स्क्रोलर पोजीशन 2 लेआउट टाइटल लिमिटेड प्रोडक्ट बैकग्राउंड रेड। ठीक है सेव। ठीक है ये रहा हमारा स्क्रोलर, अब इसको एडिट करना है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रोलर है, पोजीशन 2 है, टाइटल यहाँ पे सेट नहीं हुआ, तो ये चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रोडक्ट भी सिलेक्टेड नहीं है, तो ये चीज़ भी हमें सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये सिलेक्टेड दिखा रहा है बट यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है। तो एक टाइटल और अगेन बैकग्राउंड सेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं वापस से। एडिट, ठीक है अभी भी सेम है, बैकग्राउंड सेट हो रहा है, तो बैकग्राउंड में प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ टाइटल और हमारा ये जो सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स की लिस्ट है उस चीज़ में हमें चेक करना पड़ेगा। लेआउट टाइटल में पहले चेक करते हैं, डायलॉग पे आ जाएंगे, ये रही टेक्स्ट फील्ड सर्च टाइप, ये है लेआउट, लेआउट बैकग्राउंड, ये रही टाइटल फील्ड। तो ऑन चेंज वेरिएंट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे हमने सेट नहीं की है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट करेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट लेआउट टाइटल। और उसके बाद हमारे ओके सो गाइज यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफ़ॉल्ट चेक इज इक्वल्स टू दिस डॉट स्टेट डॉट सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर, और यहाँ पे एक्स एक्स डॉट आई डी इज इक्वल्स टू आइटम डॉट आई डी। ठीक है इस तरीके से फिल्टर करेंगे, और उसके बाद उसकी हमें लेंथ चेक करनी है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ट्रू वरना फॉल्स। ठीक है इस तरीके से सेव करते हैं और अब देखते हैं। ओके यहाँ पे अगेन ऐप लॉन्च हो चुका है और अगेन एडिट पे क्लिक करते हैं, तो इस बार टाइटल भी सेट हो चुका है, कलर भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड है, तो 0 1 0 तो ये काम कर रहा है। अब इसको अपडेट करके देखते हैं, इसको इसको तो एज इट इज़ रखते हैं, सिर्फ टाइटल जो है वो चेंज कर देते हैं। लिमिटेड कलर्स, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं ब्लू, सेव करते हैं। ठीक है तो सेव तो हो रहा है बट एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे,
जो पुराना वाला है उसकी जगह हमें नया जो है ऑब्जेक्ट सेट करना चाहिए था हमारे लिस्ट में, बट नया ऐड तो हुआ है बट पुराना जो है वो रिप्लेस नहीं हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को जो है हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो सेट मेथड है वहाँ पे चेंज करना है। तो सेव मेथड पे हमें जाना पड़ेगा, आउटलाइन सेव, और यहाँ पे जो केस टू है ओके यहाँ पे हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे अगेन अपलोड प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर चलना पड़ेगा हमें ऑन कंप्लीट, और ऑन कंप्लीट के अंदर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो हमें जो हमारा ऑन कंप्लीट वाला नीचे से जो कोड है वो हमें कॉपी करना है, ये वाला एडिट मोड वाला, इसको करते हैं कॉपी। उसके बाद यहाँ पे फायर स्टोर के अंदर ऑन कंप्लीट यहाँ पे पेस्ट करते हैं एडिट मोड, और उसके बाद डेटा है यहाँ पे भी डेटा है, ये दोनों सेम है ठीक है, इसको कर देंगे यहाँ से डिलीट। एंड उसके बाद ये जो क्वेरी है यहाँ पे भी ऐड है, तो हमें सेट मेथड का यूज़ करना है। तो सेम नीचे वाली क्वेरी जो है इफ एल्स स्टेटमेंट वाली वो हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और एल्स स्टेटमेंट के अंदर नीचे वाली जो क्वेरी है वो सेव करेंगे, और यहाँ पे सेम है ठीक है, यहाँ पे एडिट मोड को फॉल्स कर देते हैं एक सेकेंड। ये ऑन कंप्लीट फंक्शन के अंदर है, और ऊपर जो सेट स्टेट मेथड है वो भी ऑन कंप्लीट के अंदर है ठीक है। यहाँ पे एडिट मोड को करेंगे फॉल्स, हम सेव कर देते हैं, और अब देखते हैं अब काम करना चाहिए। ठीक है दो है तो पहले एक को डिलीट कर देते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट ठीक है। अब इसको अपडेट करते हैं एडिट, इसका कलर चेंज कर देते हैं ठीक है। उसके बाद सेव करते हैं, इट्स फर्स्ट आर्ग्यूमेंट टू बी ऑफ नॉन। चीज़ हमें करनी है, हमें क्या करना है, यहाँ पे जब हम डेटा सेट कर रहे हैं अपलोड प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट्स है वैसे तो जब हम ऐड करते हैं तब यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट आईडीज होती है, लेकिन जब हम अपडेट करते हैं तो उस टाइम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडीज नहीं होती, यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट का डेटा अंदर होता है, तो ये जेसन फॉर्मेट के अंदर होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट एक सेट करेंगे डेटा के लिए भी, और यहाँ पे चेक करेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट एडिट मोड। अगर एडिट मोड होता है तो हमें क्या करना है, और एडिट मोड नहीं होता है तो हमें जो नॉर्मल जो हम डेटा सेट कर रहे हैं वो रखना है, और अगर एडिट मोड होता है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को पहले हमें फ़िल्टर कर देना चाहिए, या फिर एक न्यू अरे के अंदर हम जो है पुश कर देंगे सारे प्रोडक्ट्स को। तो हम क्या करेंगे, लेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू एम्प्टी अरे, और उसके बाद फॉर ईच लूप और यहाँ पे आएगा दिस डॉट स्टेट डॉट सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स, और एलिमेंट को हमें सिंपली पुश कर देना है प्रोडक्ट्स के अंदर। एलिमेंट डॉट आईडी ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोडक्ट्स जो है वो इस तरीके से पास कर सकते हैं। देन डेटा यहाँ पे हमने सेट कर लिया, और ये डेटा को ऊपर हम डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इनिशियलाइज करेंगे लेट डेटा ठीक है। सेव करते हैं और अब चेक करते हैं,
ओके अब इसको अपडेट करके देखते हैं। एडिट लेआउट बैकग्राउंड ब्लू सेव, और यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे अब जो है हॉरिजेंटल स्क्रोलर को तो हम अपडेट कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट काम जो है वो हमें करना है कि हमारा जो ग्रिड व्यू है उसको अपडेट करवाना। बट ग्रिड व्यू के लिए हमारे पास इतने प्रोडक्ट तो नहीं है, बट फिर भी हम जो है कोड उसका सेट कर लेते हैं, ठीक है, वो एज इट इज़ अच्छे से काम करेगा। तो उसके लिए अब एक चीज़ अच्छी है कि हमने ये सेम फंक्शन जो है वो दोनों के लिए सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे अब हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें चेंज कहाँ पे करना है, जहाँ पे हमारा पहले यहाँ सेव मेथड को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं किया है हमने, यहाँ पे भी कुछ नहीं किया है, सेम फंक्शन है। तो हमें सिर्फ जहाँ पे हमारा व्यू टाइप हम रेंडर करवा रहे हैं रेंडर फंक्शन के अंदर, वहाँ पे हमें देखना है क्या चेंज करना है। एडिट फंक्शन जो है वो सेट करना है। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रोलर पे आएंगे, यहाँ से एडिट वाला कोड कॉपी करेंगे, नीचे ग्रिड व्यू जहाँ पे हम रेंडर करवा रहे हैं वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, व्यू टाइप इंडेक्स डायलॉग एडिट मोड डॉक्यूमेंट आईडी सिलेक्टेड प्रोडक्ट सब कुछ जो है वो एज इट इज़ रखना है, कुछ चेंज नहीं है यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा और एक और ब्रैकेट आएगा, ठीक है, सेव। और बाकी तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी अपने आप सारी चीज़ें काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अपडेट करने का काम जो है वो फिनिश हो चुका है। यहाँ पे अब हम सारी चीज़ों को जो है वो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ग्रीन, सेव। तो ग्रीन हो चुका है, तो सारी चीज़ें अब जो है अच्छे से अपडेट भी हम कर पाएंगे। ऐड फंक्शन भी हो गया है, और उसके बाद डिलीट पे भी हमने जो है कोड सेट कर दिया है। यहाँ पे डिलीट करके देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे डिलीट भी हो रहा है अच्छे से। तो अब जो है हमारा होम फ्रेगमेंट या फिर जो होम फ्रेगमेंट का जो कोड है वो हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम सारे कैटेगरीज का जो पेज डेटा है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अपडेट सेक्शन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।